स्वागत करते हैं जी अपने सारे प्यारे दर्शकों का। मैं जैसमिन रियात अपनी समुची डीडी पंजाबी की टीम के नाल मौजूद हाँ पिंड सराबा दे विच, जिथे जद्दी घर मौजूद है शहीद करतार सिंह सराबा जी का। शहीद करतार सिंह सराबा का जन्म 24 मई 1896 नूं सरदार मंगल सिंह दे घर माता साहिब कौर दी कुखों पिंड सराबा विखे होया। करतार सिंह सराबा बहुत छोटी उम्र दे सन जदों उन्हां दे माता पिता अकाल चलाणा कर गए। उन्होंने मुढ़ली विद्या मालवा स्कूल लुधियाणा तो प्राप्त की। 1912 विच उचेरी विद्या प्राप्त करन लई उन्हां दे दादा जी सरदार बदन सिंह, जिन्हां ने उन्हां दा लालन पोषण कीता सी, उन्होंने उन्होंने अमरीका भेज दिता। लेकिन इस महान रूह ने जिमें होर किसी व्डे कारज वास्ते जन्म लिया से, अमरीका भारतीय लोगों की बेअदबी होंगी वेख के उन्हों का मन दुखी होंगे। इन्हों की मुलाकात सराबे पिंड के ही बाबा रुलिया सिंह जी हुई, जिन्होंने पहला ही हिंदुस्तान की आज़ादी वास्ते बीड़ा चुकया होया। उन्होंने रहनुमाई करतार सिंह जी ने सैन फ्रांसिस्को दे विच युगांतर आश्रम नाल जुड़ के देश की आज़ादी लई मुहिम चलाई। उन्होंने गदर लहर विच अपना तन मन धन अर्पण करन दा फैसला कर लिया। इत्थे पहुँच के उन्होंने होर लोगों नूं प्रेरणा दे के इस लहर नाल जोड़न दा काम बड़े जोश नाल शुरू कर दिता। इस सिलसिले विच करतार सिंह सराबा अपने मिशन की पूर्ति लई सरगोदा गए। उत्थे 2 मार्च 1915 नूं रसालदार गंडा सिंह ने धोखे नाल करतार सिंह सराबा जी ते उन्हां दे साथियों नूं गिरफ्तार करवा दिता। अंग्रेज़ हुकूमत ने इन्हां खिलाफ़ साजिश का केस बना के मुकदमा दायर किया। ये कार्रवाई सेंट्रल जेल लाहौर विखे की गई। अखीर 16 नवंबर 1915 नूं इन्हां सूरबीर गदरी योद्धियां नूं फांसी दे दित्ती गई। अते लगभग 19 साल की उम्र विच करतार सिंह सराबा देश लई जान कुर्बान कर गए। अज असी उन्हां नूं शहीद करतार सिंह सराबा वजों जानते हाँ। भारत माँ के इस सपूत नूं असी सलाम करते हाँ, जिन्हां ने अपने देश कौम अते अपने पिंड सराबे का नाम कुरबानी की बुलंदी तक पहुँचाया। यह है शहीद करतार सिंह सराबा मार्ग। इस पिंड के लोगों के मन अंदर शहीद करतार सिंह सराबा जी वास्ते असीम श्रद्धा नज़र आती है। इत्थे दी हर इमारत का नाम लगभग उन्होंने नाम उत्ते ही है। साडा भारत देश गुलाम रहे, अखीर 15 अगस्त 1947 उस सुनहरा दिन आ ही गया कि सानू आज़ादी मिली। लेकिन ये आज़ादी बहुत महंगे मुल दी सी, क्योंकि इस आज़ादी वास्ते अनेक स्वतंत्रता सैनानिया ने अपनी शहादत साढ़े वास्ते खून बहाया ताकि असी आज़ादी विच साह ले सकी। उन्हां विचों एक सन शहीद श्री करतार सिंह सराबा, जिन्हां की प्रतिमा इस वेले इत्थे मौजूद है। लुधियाणा शहर के पिंड सराबा विच स्थित
शहीद करतार सिंह सराबा जी का जद्दी घर सैलानिया ले खिच दा केंद्र है। इस नू शहीद करतार सराबा यादगार वजो भी जाना जाता है। ये यादगार उस महान आजादी गुलाटीए के सम्मान विच बनाई गई सी, जिन्हां ने 19 साल की छोटी उम्र विच अंग्रेजा विरुद्ध लड़ाई विच अपनी जान कुर्बान कर दिती। ये यादगार भारत के महान आजादी गुलाटियां दियां कुर्बानियां दी याद दवाउंदी है। ये घर वर्तमान विच पंजाब सरकार की मलकियत है अते पंजाब सैर सपाटा विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अखीर साडा देश आज़ाद होया, सुतंत्रता दा पूरा खाब होया, साडा हर घर आबाद होया। अखीर एक दिन साडा देश आज़ाद होया। सिर्फ 19 साल की उम्र के शहादत प्राप्त करन वाले शहीद करतार सिंह सराबा जी के जद्दी घर के अज असी मौजूद हाँ अपनी समुची डी डी पंजाबी की टीम के नाल। इत्थे असी देखांगे उन्हां दीआं ओह वस्तुआं, ओह चीज़ां, ओह तस्वीरां जो इतिहास नूं बयान करदीआं। इस घर नूं मुख तौर पर 1915 ते 1919 दर्शाउण वास्ते बहाल किया गया है, जदों भारत की अपनी जंग आज़ादी वास्ते सिखर ते सी। इस घर विच मौजूद हैं वो पुरातन चीज़ां जो उस समय नूं दर्शाउंदियां हन जदों करतार सिंह सराबा जी इस घर दे विच रहिंदे सन। ते जिवें कि तुसीं इत्थे देख सकदे हो कि इत्थे एक गोलक मौजूद है पुराने समय दी, नाल ही उहदे पिछे एक इनाम है जो कि करतार सिंह सराबा जी ने जितया होया है। उहनां दी तस्वीर भी इत्थे मौजूद है। इत्थे इतिहास की याद दिवाउंदा वो शीशा भी मौजूद है जिस ते खूबसूरत लकड़ी का काम किया गया है। पुराने समय के चीज़ों नू महफूज रखण वास्ते वरते जाते सके संदूक, जिमें कि तुसी इत्थे देख सकते हो। तो इस संदूक के अंदर हुंदी सी जगह जिथे लोग अपनी चीज़ों वस्ता रखते सी।
असी इस वक्त खड़े हैं इस इतिहासिक जगह दे छत दे उत्ते ते गलबात करते हैं सैलानियों के नाल कि उन्होंने आके किहो जिहा अनुभव इत्थे मिले। बहुत बहुत डीडी पंजाबी ते स्वागत है तुहाडा। की नाम है तुहाडा? पुष्पिंदर सिंह है। पुष्पिंदर सिंह ते कित्थों आए हो तुसी? मलेरकोटला पास। मलेरकोटला तो तुसी इह जगह देखण आए इत्थे वास्ते, किहो जिहा महसूस होया? बहुत वधिया लग्गिया जी। करतार सिंह सराभा जी दा जद्दी घर देखण दी तमन्ना सी टाइम तो उत्थों, ते फिर अज वधिया मौका सीगा आके देखा, बहुत वधिया लग्गिया जी। की दसना चाहोगे दर्शकां नूं की देखिया इत्थे? इत्थे सारे कई पुराने टाइम के जिन्हें भी हैगे सीगे संद और सब कुछ, तो वो देखण नूं मिलदे ने जी। ते बाकी जेड़ा इन्हां दा जद्दी घर हैगा वो बहुत वधिया वो देखण नूं मिलदा जी। वैसे ये जेड़े अपने देश दे आजादी दे पुलाड़िए सीगे इन्हां दे नाल काफ़ी प्रेम होने की वजह के नाल इत्थे आए देखने, बहुत वधिया लगे। मनो जिमें वक्त ठहर गया हो, सारा घर के हरे रंग का कलीन बिछिया होया है, लेकिन इस कलीन के थले है इस घर की असल दिख। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इसन कुंडा कहा जाता है। यह मुदकर है। मुदकर न पुराने समय दे विच वर्जिश करन लई इस्तेमाल किया जाता सी। एक काफ़ी भारा हुंदा सी। हुण साडे नाल मौजूद ने सराभा पिंड दे वसनीक श्री अमर सिंह जी, जो सानू महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाउणगे। आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा डीडी पंजाबी ते। सानू दसो इस जद्दी घर दे बारे तुसी कुछ। जद्दी घर आए हां जी, आह पहलां तो असीं देखदे हां उत्ते असीं मुखबली पाउंदे हुंदे सीगे। मुखबली से असी खेती करते सी इन्हों की आपदी भी इन्हों के खत्तियां दी, करतार सिंह सराभे की असकूल सड़क के नाल जमीन है, इन्हों की बार भी आ दो थौमी, तो वह करते सी इन्हों मेहनत मूहनत करके इन्हों करते सी। उदू बाद असी हर बात साडा लगा इन्हों ही रहा हो, करतार सिंह नहीं असी देखा है, असी उन्हें लगा जाने जी इन्हों परिवारों के नाल ज होर फूलका साहब न एस एस पी सी वो नानके से इतने इस घरें वो सानू मिल के जाते सी आके जद आते उ गड्डी कढ़ा लेनी साडा सामने घर आ उ गड्डी कढ़ा के इतने आते ही मामा जी ने मिलना वा वधिया बंदे सी जी, कुरबानी का काम कर गया है साडा पिंड इहदे नाल ही जागदा। किन्ने क ज़्यादा इतने सैलानी आ जाते हैं इस घर नू देखण वास्ते? आउंदे बहुत आ जी, आउंदे ही रहिंदा साडा सामने, असीं देखदे रहिंदे आ पए उत्थे देखी जांदे आ, कदे गड्डी आ गई कदे कुछ आ गया कदे कुछ आ गया, दुनिया देखण बहुत आउंदी आ। ਸੈਨ ਸੂਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਨੁੰਬਰ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕਸ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਡਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। ਬਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ DD ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ।